नोट 9 प्रो का आज दूसरा पार्ट है ये, और जिसने पहला पार्ट ना देखा वो जाके देख ले, क्योंकि पहले पार्ट में हमने बताया मोबाइल में प्रॉब्लम क्या थी और उसके अंदर जो है फॉल्ट कहाँ था, ठीक है। बाकी इस वीडियो में हम बात करेंगे जो फॉल्ट हमारा है, जैसा कि आपने देखा कि इसके पहले वीडियो में सीपीयू हमारा ये शॉर्ट था और मैंने आपसे कहा था कि सीपीयू को बिना निकाले और बिना इस लाइन की छोटी हटाए हम इस प्रॉब्लम को ठीक करने वाले। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। अभी हम सबसे पहले अब हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, बात को समझिएगा। पहले हमें ये समझना है कि इसकी कंडीशन क्या है। देखिए इसकी कंडीशन ये है कि अभी एक कंडीशन में प्रॉपर सेट ऑन हो रहा है, बस हम उसी को आधार बना के चलेंगे। जैसे चार्जिंग अगर हम लगाते हैं सेट प्रॉपर ऑन हो रहा है, फिर से बोलता हूँ जिसने पहली वीडियो ना देखी हो जाके देखिए, क्योंकि पहली नहीं देखेंगे तो दूसरे में मजा आने वाला नहीं है ना। इस क्लास के अंदर मतलब इस टॉपिक के अंदर हम क्लास भी करेंगे और पढ़ेंगे भी और देखेंगे बारीकों समझेंगे, और एडवांस के बाद डीप नॉलेज, और डीप नॉलेज के बाद हम देखेंगे ये कैसे सेट रिपेयर होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए करने को तो मैं अभी 2 मिनट में इसको कर दूं, ऐसा नहीं है कि 2 मिनट में नहीं, 2 मिनट में हो जाएगा, लेकिन मजा है आपको मैं कुछ बताते हुए समझाते चलूं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, हमारी कोई भी वीडियो में अगर आपने कट लगाया ना, जाहिर सी बात है बहुत सारी चीजें आप मिस कर सकते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा कोई बात मैं उसमें करता ही नहीं, कोशिश करता हूँ सिर्फ आपको समझाने की, उसमें थोड़ी सी वीडियो हमारी लंबी हो जाती है। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि हमें क्या चलना है पकड़ करके, ये कि हम जब चार्जर लगाते हैं सेट हमारा प्रॉपर चलता है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन जब चार्जिंग नहीं लगाते तो सेट हमारा क्या होता है, वो सेट हमारा बंद हो जाता है। तो सेट हमारा चार्ज लगाने पर चलता है, बस इसी को हम मुद्दा बनाएंगे और हम भूल जाएंगे कि हमारा सीपीयू हीट हो रहा है और लाइन में हमारे शॉर्टेज है। बस इस चीज को पकड़ के चलना है कि चार्ज लगाने पर सेट प्रॉपर चल रहा है, परफेक्टली ऑन हो रहा है, सब कुछ चल रहा है, सेट बंद नहीं हो रहा है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बस उन्हीं लाइनों को हम पकड़ के चलेंगे। तो अब चार्ज लगाने पर कौन कौन वोल्टेज जनरेट होता है, अब चार्ज लगाने के बाद लोग ये समझते हैं कि भाई MID बनता है, VPH बनता है, स्विचिंग होती है, बूट कैप बनता है, और उसके बाद लोगों को समझ में आता है कि सिस्टम ओके बनता है। देखिए ये तो उस वक्त की बात है जब IC लगी हो, जब IC न लगी हो तो कौन कौन वोल्टेज बनता है पहले हमें ये पता करना पड़ेगा, और उन्हीं वोल्टेज पर हम काम करेंगे और उन्हीं पर काम करके हम सेट को परफेक्टली ऑन रखेंगे। चलिए तो उससे पहले मतलब चार्जिंग लगाने पर बिना चार्जिंग IC के कितना कितना किस किस बोर्ड पर वोल्टेज मिलता है ये तो हम जानेंगे ही जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम पता करेंगे कि शॉर्टिंग किस लाइन में है। उसके लिए सबसे ईजी रास्ता ये है, तो उसके लिए हम ओपन करेंगे बोर्ड, ठीक है। और बोर्नियो में हम सबसे पहले मॉडल सेलेक्ट करेंगे नोट 9 प्रो, और नोट 9 प्रो में देखिए सबसे नीचे आएंगे ना आपको यहाँ मिलेगा वोल्टेज। अब वोल्टेज आपको ओपन करना है, और जैसे ही वोल्टेज ओपन करेंगे यहाँ इन आउट वोल्ट लिखा हुआ है और हमें इसे ओपन करना है। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ इन आउट की जो लाइनें हैं यहाँ सारा दिया हुआ है, किस कैपेसिटर पर कितना वोल्ट मिलना चाहिए ये दिया है। जाहिर सी बात है कहने का मतलब ये सारी लाइनें पावर IC की आउटपुट है, और कहीं ना कहीं यही में से एक लाइन जो CPU को जाती है और CPU शॉर्ट होने की वजह से वहां जो है हीट होता है, डेफिनेटली यही कहीं हमें वोल्ट मिलेगा। तो सबसे पहले हम सारी लाइनों को चेक करते हैं, और सारी लाइनों को जब हम चेक करेंगे GR लेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये फॉल्ट इसके अंदर कहाँ है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। चलिए हम कोशिश करेंगे वीडियो थोड़ी शॉर्ट में हो, छोटी कम से कम हो, और उतनी चीजें आपको दिखाएं जितनी समझ में आए, तो बाकी चीजें हम चेक करके कट कर देंगे, और जहां फॉल्ट मिलेगा बस वही हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखिए इन जगह लीकेज मिला है और कितना कितना मिला है ये हम आपको अभी दिखा रहे हैं, ठीक है। देखिए तो देखिए सबसे पहले हमें L9 पर मिला, हमें रिवर्स में नहीं मिला कुछ, रिवर्स में सब ठीक है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ रिवर्स में है 516, 10 पर है रिवर्स में 391, 11 पर है 495, ठीक है। तो रिवर्स में हमें कोई फॉल्ट नहीं मिला। अब हम देखते हैं फॉरवर्ड में, तो फॉरवर्ड में हमें यहां मिला 488, ठीक है। रिवर्स में कितना था 515, 515 से भी घट गया 490, ठीक है लगभग। तो यहां हमें लीकेज मिला, और उसके बाद हम आते हैं 10 पर और यहां मिला 410, ये हमें मिला फॉरवर्ड में। तो रिवर्स में देखते हैं, तीन सौ नब्बे 411, मतलब 20 का डिफरेंस है रिवर्स फॉरवर्ड में, मतलब यहां भी हमें लीकेज मिला। अभी हम यहां देखते हैं, यहां हमें फॉरवर्ड में जो मिला 492 और रिवर्स में मिला 493,
मतलब ये लाइन, ये तीन है जहां हमें जी आर फॉरवर्ड में कम देखने को मिल रहा है, मतलब ये तीनों में है लीकेज। देखिए ये तीनों में लीकेज नॉलेज बता रही है, मतलब जो नॉलेज आपने हमने इंस्टीट्यूट से लिया, बात समझिएगा, ये नॉलेज बता रही है, लेकिन रिसर्च कुछ और बताएगी। अब रिसर्च क्या बताएगी वो हम देखेंगे। तो मतलब हमें ये लगता है कि ये तीनों जगह लीकेज है, लेकिन आपको मैं बता दूं, ये मोबाइल जो है ना, अब जितने भी मोबाइल आ रहे हैं, आप चाहे जितना भी क्लास कर लीजिए, जितना भी कोर्स कर लीजिए, आप यहाँ के फंस जाएंगे और आप नहीं बता पाएंगे ये लाइन ओके है कि ये लाइन ओके नहीं है। चाहे जितना भी पढ़ लीजिए, पूरी जिंदगी पढ़ लीजिए, फिर भी नहीं बता पाएंगे आप। और हमारे इस वीडियो से आपके अंदर ना एक कंफ्यूजन क्रिएट होने वाली है, एक ऐसी कंफ्यूजन कि आपको लगता है कि आपने कोई जीआर रख लिया है पावर एसी का और आप दूसरी जगह तीसरी जगह को चेक कर लेंगे और आपको फॉल्ट मिल जाएगा। नहीं, अब यहाँ सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये बन रही है कि यहाँ जो हमें जीआर मिल रहा है वो सही है गलत। दिमाग तो यही कह रहा होगा गलत है भाई, तीन तीन जगह कैसे गलत हो गया, हो भी सकता है, इम्पॉसिबल तो है नहीं भाई, पॉसिबल हो सकता है। लेकिन अभी मैं नहीं कह सकता कि ये लाइन में फॉल्ट है। चलिए उसके लिए एक ही रास्ता है कि हम सबसे पहले चलेंगे एआई टूल में, और एआई टूल के अंदर हम पहले इन लाइनों को देखेंगे कि एआई टूल इन लाइनों के बारे में क्या कहता है। पहले हम उसकी बात सुनेंगे, उसके बाद हम इसकी मानेंगे कि ये सही सच्चा है, ये हमारा एआई टूल है। तो चलिए हम सबसे पहले एआई टूल ओपन करेंगे। तो ये हमारा एआई टूल है, एआई टूल को हमने सेलेक्ट किया, उसके बाद रेडमी को सिलेक्ट किया, उसके बाद रेडमी नोट प्रो, दोनों टाइप प्रो है, तो प्रो के फोल्डर में जाएंगे, है ना। यहाँ रेडमी का प्रो मॉडल है और यहाँ रेडमी नोट है और यहाँ नोट प्रो है। नोट प्रो में आएंगे तो हमारे पास फिलहाल नोट प्रो में इतना ही मॉडल है, और कुछ मॉडल और है जो अभी हमने अपडेट नहीं किया है, हम अपडेट करने वाले हैं। तो नोट 9 प्रो हम ओपन करेंगे, तो यहाँ हमें सबसे पहले वी रेग की इन्फॉर्मेशन देखेंगे, ठीक है। इसके पहले की वीडियो में आप देखे होंगे आपको ये फोल्डर नहीं मिला होगा ना, तो ये बाद में अपडेट हुआ है। तो इस तरह से जितने भी चीजें मिलती जाएगी हम इसके अंदर अपडेट करते जाएंगे। तो वी रेग, चूंकि हमने वी रेग की इन्फॉर्मेशन ली है, और वी रेग में 9, 10 और 11 ये तीनों की हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए कि ये तीनों जो मल्टीमीटर बोल रहा है वो सही है गलत। वीरेक का फोल्डर ओपन करेंगे और इसके अंदर है वीरेक ए और वीरेक सी, मतलब दो आईसी इसके अंदर है, दोनों आईसी की इन्फॉर्मेशन इसके अंदर है, तो हमें ए में मिला है फोल्ड, तो हम ए देखेंगे। अब हमने जब ए खोला तो अब यहाँ देखिए 9A में, अब देखिए यहाँ है 517 रिवर्स में जो कि हमें मिल रहा है, और 480 फॉरवर्ड में, ठीक है। 9 में हम एक बार फिर से चेक करेंगे, रिवर्स में है 515 और यहाँ है 517, ठीक है, मतलब ये ओके है। फॉरवर्ड में 490 के करीब में है, 487, और वहां देखेंगे 480, ठीक है, वहां 480 या 487, मतलब ये लाइन लग रहा था कि लीकेज है, लेकिन लीकेज नहीं, ये लाइन देखिए बिल्कुल ओके है, ठीक है, एआई टूल के हिसाब से। चलिए अब हम आते हैं 10 में और देखते हैं 394 और 490। तो हम देखते हैं 394 करेक्ट है, और यहाँ 410 आ रहा है, और यहाँ हमारे पास जो मिल रहा है वो मिल रहा है 490, मतलब 80 का डिफरेंस यहाँ है, मतलब इस लाइन में लीकेज है और 80 का लीकेज है, ठीक है। चलो अब हम आते हैं 11 में, तो 11 में अगर हम देखें तो 11 में हमें 494 और 1160 की दे रही है, तो 494 मिल रहा है, 494 परफेक्ट मिल रहा है ना, देखिए 500 के करीब में है, मतलब 494 है। और उसके बाद हम फॉरवर्ड में देखेंगे 1660 मिलना चाहिए और यहाँ मिल रहा है 492, तो 492 रिवर्स है और 492 जो है वो फॉरवर्ड है। तो इसको फॉरवर्ड में होना चाहिए 1160, तो सबसे जो हाई शॉटिंग है, मतलब सबसे ज्यादा जो हाई लीकेज है वो हमें मिला कहाँ, L11 में, ठीक है। अब देखिए यही है गड़बड़, और हमने जो L10 में लीकेज देखा है वो L10 के लीकेज जो है ना वो इसकी वजह से है, L11 की वजह से, ठीक है। चलो ये तो फाइनल हो गया कि इस लाइन में है लीकेज, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अब इसकी शॉर्टिंग हटाने के लिए हमें सीपीयू उठाना पड़ेगा, और सीपीयू लगाएंगे फिर शॉर्टिंग आ जाएगी, है ना। या तो हम सीपीयू ड्रिल करके भी इसे ठीक कर सकते हैं, लेकिन आज हम कुछ नया करेंगे क्योंकि हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन है, और वो इन्फॉर्मेशन ये है कि चार्जिंग लगाने पर सेट पूरी तरह से चल रहा है, तो हम उसी को आधार बनाएंगे और उसके हिसाब से हम करेंगे, ठीक है। तो अब उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए अब हमें चाहिए वो डिटेल जो चार्जर लगाने पर बिना चार्जिंग आईसी के, मतलब ये कहिए कि सेकेंडरी प्राइमरी और सेकेंडरी जो आईसी होती है, और एक चार्जिंग आईसी होती है, चार्जिंग आईसी के अंदर एसएमबी लगी हुई है, चार्जिंग आईसी, लेकिन सिर्फ एसएमबी का काम नहीं है, इसके अंदर काम एक और आईसी का है, और वो आईसी है
62:50 का। तो हम 62:50 ओपन करेंगे, तो 62:50 के लिए हम यहाँ बैग आ गया और आईसी का जीआर एंड बोल्ड यहाँ है और हम ओपन करेंगे तो यहाँ देखिए चार्जिंग आईसी, पावर आईसी, नेटवर्क आईसी और ईएमएमसी इतने का जीआर प्लस बोल्ट रिवर्स एंड फॉरवर्ड सब कुछ है। तो हम आते हैं पावर आईसी में और पावर आईसी में हमारे पास जो मिलेगा पीएम 6250 का हमें देखना, तो पीएम 6250 हम ओपन करेंगे और इसके अंदर हमें मिलेगा रिवर्स जीआर, फॉरवर्ड जीआर एंड बोल्ट। तो हमें काम है बोल्ट का, तो हम बोल्ट ओपन करेंगे और जैसे ही बोल्ट ओपन करेंगे तो अब देखिए यहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये तो हमारी वीबस की लाइन है ना, यहाँ आप देखेंगे ये हमारी वीबस की लाइन है और यहाँ हमारी पोजीशन है, ये पोजीशन है, याद रखिएगा ये हमारी वीबस की लाइन है। अब कहाँ कितना वोल्टेज आ रहा है ये हमें देखने वाली बात है, ठीक है। यहाँ हमें मिला 5.1 और यहाँ मिल रहा है 2.4, यहाँ 2.4, यहाँ 2.4, कब बिना आईसी लगे, मतलब आईसी निकला हुआ है उस वक्त का ये वोल्टेज है, ठीक है। और उसके बाद नीचे देखते हैं 2.4 यहाँ भी है और एक जगह आपको मिलेगा 0.9 और एक जगह आपको मिलेगा 0.5, ठीक है, इतने वोल्टेज हमें यहाँ मिलेंगे। चलो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर, थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं और इसको समझ लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये है पीएम 6250 जिसके अंदर बॉल नंबर है 74, 98, 177, 70 एंड 90 एंड 100, ठीक है, ये बॉल का नंबर है। अब इन बॉल के नंबर पर जो हमें वोल्टेज मिल रहा था, जो अभी आपने देखा ना वोल्टेज, वो वोल्टेज इन्हीं नंबरों पर हमें मिल रहा था, कितना 2.4 2.4 जो कि डीपीडीएम की लाइन है, जब हम चार्जर लगाएंगे तो हमें यहाँ 2.4 2.4 मिलेगा, कब जब आईसी नहीं लगी होगी तब, है ना, ध्यान रखिएगा जब आईसी नहीं लगी होगी तब। हमें एक यूएसबी की लाइन है जो 70 पर है जो कि हमें मिलेगा 5 वोल्ट, उसके बाद हमारे पास एसएमबी स्टार्ट करके एक जो एसएमबी को स्टार्ट करने के लिए आता है 0.5 वोल्ट जो कि 74 नंबर के बॉल पर, यहाँ हमें 0.5 मिलेगा। अब यहाँ थोड़ा सा नोट करने वाली बात है, ये 0.5 लिखा जरूर है लेकिन ये मिली वोल्ट में मिलेगा, मतलब 200 एंड 300 लगभग वोल्ट मिली में हमें मिलेगा और मैक्सिमम 500 मिली वोल्ट मतलब आधा वोल्ट, ठीक है, ये हमें मिलेगा यहाँ 0.5 वोल्ट। उसके बाद हम देखते हैं कि एक हमें मिलेगा 2.4 वोल्ट, कहाँ, वीरेक की लाइन पर, कब, जब ये आईसी नहीं लगी होगी, और जब आईसी लगी होगी ना तो सीपीयू को 3 वोल्ट जाएगा, ध्यान रखिएगा सीपीयू को 3 वोल्ट जाएगा जब आईसी लगी होगी तब। अब देखिए मैं यही कह रहा था, एक तो अभी हमने जो देखा कि आईसी के बॉल पर कितना वोल्टेज आना चाहिए, जो आपने आई टूल में देखा ये एडवांस नॉलेज थी, ठीक है, मतलब ये जो आपने देखा ये एडवांस नॉलेज थी, ठीक है, लेकिन इससे सेट रिपेयर होने वाला नहीं है, मतलब एक एडवांस नॉलेज हमने आपको यहाँ दे दी कि कहाँ कितना कितना मिलना चाहिए, जैसे ये वोल्टेज उस वक्त का है जब आईसी न लगी हो, है ना। तो अब हमें चलना पड़ेगा थोड़ा डीप नॉलेज में इसको रिपेयर करने के लिए, तो डीप नॉलेज इसका क्या है, अब हम आईसी को लगाएंगे और आईसी को लगाने के बाद कंफर्म करेंगे कहाँ कितना वोल्टेज मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ हमें वोल्टेज जो मिलेगा आईसी लगने के बाद, यहाँ हो गया 3 वोल्ट, ठीक है, याद रखिएगा आईसी लगने के बाद, और यहां मिलेगा आपको 0.6 और यहां मिलेगा 0.6, कब, जब आपकी आईसी लगी होगी तब, कितना मिलेगा, जीरो आ रहा था कितना 2.4 और अभी कितना आएगा, ये आएगा 0.6। देखिए आईसी निकाल के वोल्टेज देने का मकसद ये है, कम से कम आपको ये पता चले ये लाइन ओके है या नहीं, ठीक है। चलो यहाँ हो गया 0.6 0.6, यहां मिल रहा था 5 वोल्ट, जैसे ही आप आईसी लगाएंगे यहाँ वोल्टेज हो जाएगा 0.0, जो 5 वोल्ट यूएसबी की लाइन आ रही थी जब आईसी लगाएंगे यहाँ 0.0 हो जाएगा। उसके बाद आते हैं एसएमबी स्टार्ट जो कि 0.5 वोल्ट है, लेकिन जैसे ही आप इसके अंदर आईसी लगाते हैं तो ये लाइन हो जाएगी लगभग 4 वोल्ट, अब यहाँ मिलेगा 4 वोल्ट, ठीक है। चलिए अब उसके बाद हम देखेंगे कि आपको फॉल्ट एन है, तो फॉल्ट एन पर कितना मिला 0.9, लेकिन जब आप आईसी लगा देंगे तो आईसी लगाने के बाद आपको मिलेगा समथिंग 1.3। हालांकि आप जब यूट्यूब पर डबल आईसी बोर्ड सीक्वेंस चेक करेंगे तो वहां आपको पढ़ाया जाएगा कि आपको मिलेगा 1.8। अब ऐसा क्यों पढ़ाया जाता है 1.8, देखिए क्या होता है, आप स्केमेटिक में देखोगे आपको 1.8 दिखेगा, हो सकता है 1.8 दिखे स्केमेटिक में, ठीक है। दूसरी बात, आप कहीं पढ़ने जाओगे तो आपको 1.8 पढ़ाया जाएगा, आजकल इंस्टीट्यूट में वही पढ़ाया जाता है जो पढ़ाया जाता है, और कोई भी बात लीजिएगा कोई भी इंस्टीट्यूट के अंदर अगर वो पढ़ता है ना, पढ़ के पढ़ाता है, अगर कोई ये बोले हमने कहीं से पढ़ाई नहीं तो वहां जाने ही बेकार है आपका, ये समझ लीजिएगा, क्योंकि वो नाकिस टेक्नीशियन होता है, ऐसा टीचर के आपको क्लास नहीं करनी चाहिए, ठीक है, जो बोले हमने कहीं से पढ़ाई नहीं खुद से पढ़ा है ना, तो ऐसे चोचले बात बहुत मिलेगा, इनसे बचिए, उनसे पढ़िए जिसने कहीं ना कहीं पढ़ा हो। सन 2010 की बात है तकरीबन, माली हालत बहुत ज्यादा खराब थी और उस वक्त मैं
इंस्टीट्यूट में हमने जो है ट्रेनिंग के लिए अमाउंट दिया था लगभग समथिंग 15,000 रुपया, वो भी हमने दूसरे से लेकर के कर दिया था। लेकिन वहां जाने के बाद पता चला कि भाई ये लोग सिर्फ दुनिया को बेवकूफ बनाते हैं और ठगते हैं। वहाँ टीचर को भी कुछ नहीं आता था, बल्कि चूंकि मैं इलेक्ट्रिशियन में पहले था, पहले शुरू से समथिंग मैं 8 साल की उम्र से इलेक्ट्रिशियन की लाइन में हूँ, और मैं टुल्लू पंखा स्टेबलाइजर इन्वर्टर बैटरी निडलूम चलने से बहुत सारे काम करने के बाद तब मोबाइल रिपेयरिंग में आया हूँ। तो मेरे अंदर एक शौक था कि भाई मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखना चाहिए, और पैसा डूब गया। उसके बाद मार्केट में ऐसे ही कुछ कीपैड का चुप उस वक्त चलता था, उस वक्त 3G सेट स्टार्टिंग अभी आई थी। मैं जब दाल मंडी के अंदर गया और कुछ डिस्प्ले वगैरह कुछ लेकर के लगाता या मार्केट से कुछ काम करवा के लोगों को रिफर करता, क्योंकि अपनी कोई दुकान तो थी नहीं और अभी कुछ आइडिया भी नहीं था। मैंने उस वक्त एक शॉप दाल मंडी के अंदर उस वक्त थी रिपेयरिंग की, नाम था रिजवान कादरी, और आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे रिजवान कादरी की शॉप थी। मैं वहां गया तो देखा कि वहां कुछ लड़के बैठ के सीख रहे हैं। उस वक्त उनकी फीस वहां लगभग 20-25,000 रुपये शायद थी। तो अब भाई मेरे पास तो पैसा था नहीं, मैंने उनसे बस यही कहा कि मतलब हमको भी सिखा देंगे। तो उन्होंने कहा कि सिखा देंगे, हमने कहा कि कितना लेंगे, उन्होंने बोला नहीं आपसे नहीं लेंगे। अब क्या उनके दिमाग में आया, भाई हमारे उनकी कोई जान पहचान तो थे नहीं, पर उन्होंने कहा नहीं लेंगे। बड़ी अंदर से खुशी हुई कि भाई चलो कोई रास्ता हमारे लिए बना, और वहाँ मैं लगभग 1 हफ्ता 10 दिन मैंने वहाँ ट्रेनिंग ली। अब देखिए कहने का मतलब है कि मैंने 1 हफ्ता 10 दिन ही लिया है, लेकिन जो वहाँ से लिया है ना आज यहाँ बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। आज मैं जो भी काम कर रहा हूँ ये समझिए कि दोनों भाइयों की बहुत बड़ी देन है, जिसमें एक है रिजवान कादरी और एक है फैजान कादरी। इसमें फैजान भाई का बहुत बड़ा रोल है हमको पढ़ाने में, बताने में, समझाने में जो है। और ये लोग उस वक्त के कमाल के टेक्नीशियन रहे, अब लोगों ने काम छोड़ के फोल्डर का काम और एसेसरीज में चले गए और अच्छा काम कर रहे हैं। तो अब कहने का मतलब कि फैजान भाई ने भी हमारा बहुत सपोर्ट इस काम में किया है, और उन्हीं की वजह से हमें रास्ता मिला है, और उसके बाद हमने अपनी शॉप खोली है और आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। ये और बात है कि ये काम उन्होंने नहीं सिखाया, लेकिन आज मैंने जो सीखा इसके आधार वही है, और इसका क्रेडिट सब उन्हीं को जाता है क्योंकि उन्हीं से हम इस लाइन में आए हैं। तो उनका बहुत ज़्यादा मुझ पर ये एहसान है और मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। आज मुझे मौका मिला इसके माध्यम से आपसे बात करने का कि चलो भाई सबके सामने कम से कम उनका शुक्रिया अदा कर लिया जाए। और कहने का मतलब ये कि भाई मैंने भी कहीं ना कहीं से ट्रेनिंग ली है और आगे भी चाह हमारी थी कहीं जाएं, एक जगह, दो जगह, चार जगह, पांच जगह, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीखते रहे, लेकिन उससे मेरा मन भरा नहीं। कुछ नया करना था, कुछ ऐसा जो अब तक किसी ने किया ही ना हो, और मैंने वो काम आज किया। मुझे इस बात की खुशी है कि चलो भाई मैंने उस लेवल का काम किया जिस लेवल के बारे में ना लोग सोच सकते थे ना कभी वहां तक पहुंच सकते थे। तो ये भी मालिक की बहुत बड़ी देन है कि मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। चलिए कहने का मतलब ये है कि हम बात करते हैं कि आईसी लगाने के बाद हमें कहाँ कितना बोल्ट मिला। देखिए ये तो बात हो गई डीप नॉलेज की, लेकिन इससे भी सेटअप पर रिपेयर होने वाला नहीं है डीप नॉलेज के बाद भी। अब हमें इससे भी ज्यादा डीप जाना पड़ेगा, इससे भी ज्यादा डीप, ठीक है। अब इससे भी ज्यादा डीप हम जाएंगे स्टूडेंट के साथ, ठीक है। व्यूअर्स के लिए इतना काफी है, लेकिन सवाल इसे कैसे ठीक करें, सोल्यूशन आप कम देंगे। यहाँ आ रहा है आईसी लगाने के बाद 4 वोल्ट, इस 4 वोल्ट को हम कर देंगे कितना, इस 4 वोल्ट को हम कर देंगे 1.8। अब सवाल यह है कि ऑलरेडी 4 वोल्ट इसमें आना ही चाहिए, 4 वोल्ट आ भी रहा है और ठीक भी है, हम इसे 4 वोल्ट से 1.8 कर देंगे, और जब 1.8 करेंगे तो प्रॉब्लम ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। मुमकिन है कि इसके अंदर जो हीटिंग हो रही है वो हीटिंग भी ना हो, हालांकि शॉर्टिंग रहेगी, शॉर्टिंग जाने वाली नहीं है, लेकिन हीटिंग नहीं होगी। तो अब सवाल यह है कि इसे 1.8 कैसे किया जाएगा। अब बात को समझिए, ये वोल्टेज आ रहा है यहां से कितना, 4 वोल्ट, ये 4 वोल्ट आ रहा है 6250 से जो जा रहा है असेंबली को स्टार्ट करने के लिए। अब सवाल ये है कि जब 4 वोल्ट यहां से निकल रहा है और जा रहा है, हम इसे कैसे कंट्रोल करें, इसे 1.8 कैसे करें। ये लाइन अपनी जगह जुड़ी रहेगी। अभी हम क्या करेंगे, हम पावर आईसी उठाएंगे और पावर आईसी के बॉल से हम एक जम्पर बाहर निकालेंगे, और इस जम्पर पर सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमें 4 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। और इस वोल्टेज पर हम एक जम्पर लगाएंगे, और जम्पर लगाने के बाद इसे हम कर देंगे 1.8। अब इसके अंदर सवाल ये आता है कि जो हमने यहाँ जम्पर लगाया वो जम्पर कहाँ से लगाया। चलिए पहले हम करके देख लेते हैं, ठीक है। चलिए तो हम जम्पर निकाल के आगे आपको वीडियो दिखाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से हमने एक लाइन जम्पर निकाल दिया, हमने चार्जिंग आईसी से निकाल दिया ना, पावर आईसी से निकालना था लेकिन मैंने सोचा चलो यहाँ से निकालते हैं। तो यहाँ से हमने जो है एक जम्पर निकाल दिया, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, अभी इस जम्पर को हम इधर घुमाएंगे, ठीक है, और उसके बाद हम बोर्ड में लगाएंगे पहले। तो हम इस जम्पर को पहले लगाएंगे कैपेसिटर के ऊपर, और चार्जिंग लगाने के बाद यहाँ वोल्टेज चेक करेंगे,
देखिए यहाँ हमें मिल गया 4 वोल्ट। अब इसी 4 वोल्ट को हम कर देंगे समथिंग 1.8, थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसी पर एक जम्पर ला करके जोड़ेंगे, ये जम्पर यहाँ हमने जोड़ दिया, ठीक है। चलो पहले चार्जर लगा के एक बार वोल्टेज देखें। चलिए तो हमने चार्जर लगा दिया है, अब हम एक बार वोल्टेज देखते हैं कि ये जम्पर जोड़ने के बाद हमारे पास वोल्टेज क्या आ रहा है। तो वोल्टेज देखिए 1.4, मैंने कहा था 1.8, नियर अबाउट, आगे पीछे कर सकते हैं, 1.5 हो गया, ठीक है। तो 1.5 वोल्ट हमारा ये हो गया। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम टाइमर को करेंगे ऑन और कुछ देर तक वीडियो का कोई कट नहीं लगाएंगे, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि जो मैंने लगाया है, जो मैंने किया वो ठीक है नहीं, क्योंकि अगर हम वीडियो में कोई भी एडिटिंग करेंगे तो यहाँ फर्क पड़ जाएगा, है ना। इसीलिए मैं सिर्फ प्रूफ के लिए इसे लगा रहा हूँ। चलिए तो हम इसे कर लेते हैं ऑन और इसे हम यहाँ रखेंगे। ये तो सबसे पहले एक बार फिर से वोल्टेज चेक करेंगे, और वो वोल्टेज चेक करने के लिए जब हम यहाँ लगाएंगे तो हमें यहाँ मिला 1.6 के नियर अबाउट, 1.5, ठीक है। और अभी हम उस जम्पर को छुड़ाते हैं जो जम्पर हमने लगाया है, और यहाँ हमें 4 वोल्ट मिलेगा। ध्यान से देखिएगा, चार्जर लगा हुआ है, अभी कुछ निकाल नहीं रहा हूँ, सीधे जम्पर अलग करूंगा। ये हमने जम्पर अलग कर दिया और अब हम वोल्टेज चेक करेंगे। तो वोल्टेज हमें देखिए 4.1 वोल्ट मिल गया ना। अब फिर वापस हम जम्पर जोड़ते हैं, ये जम्पर हमने जोड़ दिया और फिर वोल्टेज देखेंगे। वोल्टेज हमें मिला 1.5 प्लस, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप कर गया। अब कमेंट में बकवास लिखने वाले, अब उनका तो दिमाग काम नहीं करेगा, ये हुआ कैसे, ये लॉजिक कैसे हुआ, वोल्टेज कैसे ड्रॉप हुआ। अच्छा वोल्टेज जो ड्रॉप हुआ सो ड्रॉप हुआ, मुझे पता कैसे चला कि हम इसे ड्रॉप करेंगे और हमें जो है ये हमारा सर्किट जो है ओके हो जाएगा। एक सवाल ये भी है, और फिर सीपीयू की हीटिंग भी कम हो जाएगी, एक सवाल ये भी है, पावर आईसी की हीटिंग भी कम हो जाएगी, एक सवाल ये भी है कि भाई शॉर्टिंग अपनी जगह रह गई, और ये वोल्टेज लगाने से अभी हम आपको दिखाएंगे शॉर्टिंग भी, यहाँ कट नहीं करेंगे, ध्यान से देखिएगा, अभी हम उसको भी दिखाएंगे ना। तो अब कुछ लोगों के दिमाग में खुजली होगी, अब शायद वो कमेंट भी ना कर पाए ना। चलो तो अभी हम सेट को करते हैं ऑन, और ऑन करके अब हम 2 मिनट तक देखेंगे, और हम इसको जो है ना स्पीड फॉरवर्ड में करेंगे, कट नहीं लगाएंगे। 12:11, 10 मिनट चल रहा है, तब तक हम एक बार चाय पी के आते हैं, ठीक है। चलिए तो 7 मिनट ऊपर हो गए हैं, हम चेक कर लेते हैं, और सेट है हमारा चालू। अब हम इसकी हीटिंग भी चेक करेंगे, और शॉर्टिंग अपनी जगह है कि नहीं वो भी चेक करेंगे। तो 2.5 मिनट के अंदर अंदर सारा काम कर लेंगे हम। तो जैसा कि आपने इसके पहले देखा था, हम एक बार माइक्रोस्कोप की लाइट को बंद करते हैं ताकि जब हम इस पर रोशनी पड़े तो आपको दिखे, है ना। तो सबसे पहले प्राइमरी आईसी चेक करते हैं, पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं, वहां से ये 98 का टेम्परेचर दिख रहा है प्राइमरी आईसी, ठीक है। अब हम सेकेंडरी आईसी एक बार चेक करते हैं, फिर से देखते हैं, सेकेंडरी आईसी हमारी 98, ध्यान दीजिएगा, और सेट अभी हमारा ऑन है। मुझे नहीं लगता कि सीपीयू में चेक कराने की जरूरत है, फिर भी चलो घुमा लेते हैं, और हम इसे पूरा का पूरा पलट लेते हैं ये बैटरी के साथ, ना। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले, EMMC भी देखिए 98 है, उसके बाद हम देखते हैं CPU, तो CPU है
101, जबकि 109 के ऊपर जा रहा था। अब 101 क्यों है कि भाई देखिए है वर्किंग में 101 थोड़ा सा टेम्परेचर उसका हाई होगा, तो 101 में अब मैं आपको बताता हूँ हीट नहीं हो रहा, मैं आपको रोजिन लगा के दिखाता हूँ। लीजिए देखिए ये सीपीयू है और जरा फिर हीटिंग नहीं है, जबकि हमने ऑन सेट पर ही से लगाया ना, देखते हैं सेट ऑन है और सीपीयू में देखेंगे जरा सी भी हीटिंग नहीं हो रहा, सीपीयू हीटिंग चली गई। अब सवाल ये है कि हीटिंग तो गई, देखिए टाइमर भी हमारा ऑफ हो गया, हीटिंग तो गई है ना, तो हीटिंग के साथ साथ क्या शॉर्टिंग भी गई? चलिए शॉर्टिंग भी एक बार चेक कर लेते हैं ना। हम इसे पहले बैटरी निकाल लेते हैं, पूरा बॉडी निकाल लेते हैं ना, और हमारा जो लीकेज था वो था 11A। हम एक बार 11A चेक कर लेते हैं, ये वाला था ना, ठीक है, ये है रिवर्स 487 और फॉरवर्ड में 466, 1160 नहीं आ रहा, मतलब शॉर्टिंग अभी भी बरकरार है, समझिएगा शॉर्टिंग अभी भी है, सीपीयू को शॉर्टिंग गई। अब ये कैसे हुआ, ये लॉजिक ये पॉसिबल कैसे हुआ, अब ये तो हम स्टूडेंट को पढ़ाएंगे जो हमारी वीकली क्लास होती है, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे लिए पढ़ने वाली क्या क्या बातें हैं, बात समझिएगा। अच्छा एक चीज और बता दें, स्टूडेंट जेएसपी एप्लीकेशन से जाकर के देख सकते हैं ये जंपर हमने कहाँ से लगाया, किस तरह से लगाया, वोल्टेज कैसे ड्रॉप हुआ, सारी जानकारी कंप्लीट इसकी जो वीडियो है जो हमने यहाँ कट लगाई है, कंप्लीट वीडियो जेएसपी एप्लीकेशन के अंदर डेट सेक्शन में मिलेगा, ठीक है। चलो तो अब हम बात करते हैं इसके अंदर पढ़ने वाली क्या बात है। सबसे पहले पढ़ने वाली बात ये है कि जो हमने एक जानकारी ली कि आईसी के अंदर कौन कौन लाइन पर कितना कितना वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। अब उन वोल्टेज में हमें कैसे पता चला कि हम यहाँ 1.8 कर देंगे तो हमें जो है सेट हमारा बिल्कुल सिस्टम ओके हो जाएगा और हमारा सीपीयू भी हीट नहीं होगा, हमारा पावर भी हीट नहीं होगा, मदरबोर्ड किसी तरह से हीट नहीं होगा, ये कैसे पता चला, ठीक है। और इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी पढ़ने वाली, अगर हम आज जितना भी हमने ये इस पर काम किया अगर इस पर हम कंप्लीट डिटेल की अगर हम बात करें तो मैं समझता हूँ कि कई हफ्ते लग जाएंगे हमें अभी ये टॉपिक कंप्लीट करते करते स्टूडेंट के सामने, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, वीकली क्लास में मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। और एक बात बता दें, नया स्टूडेंट हमारा रेडी हो गया है लगभग, और 10 दिन में लगभग हमारा वो जो है चालू हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि 1 तारीख से, आने वाली 1 तारीख से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है नए वाले इंस्टीट्यूट के अंदर, और जहाँ वहीं रहना भी है और वहीं पढ़ना भी है, ठीक है। और अच्छा खासा समय वहाँ स्टूडेंट को मिलने वाला है, फ्रेशर के लिए मैक्सिमम 2 महीना जा सकता है और 3 महीना भी जा सकता है फ्रेशर के लिए, फीस वही रहने वाली है जो फ्रेशर की और जो वही नॉन फ्रेशर की, जो नॉन फ्रेशर है जिनको कुछ आता जाता है 15 दिन में भी कंप्लीट हो सकते हैं और 20 से 25 दिन भी उनका लग सकता है, तो इनका पैकेज 1 महीने का होगा और जो फ्रेशर है उनका 2 महीने का होगा। अब 1 महीने 2 महीने का भी मतलब ये नहीं है कि अगर आप नहीं कर पाए तो आउट कर दिया जाएगा, लेकिन कभी ऐसी जरूरत पड़ी नहीं कि आपको ज्यादा रुकना पड़े, चलो कोई बात नहीं। अगर आप इसके अंदर बुकिंग कराते हैं, ये फर्स्ट बुकिंग हमारी होगी जो कि डिस्काउंटेबल है, इसके अंदर बहुत अच्छी स्कीम है और बहुत अच्छा डिस्काउंट लेकर के आ रहा हूँ, लेकिन ओनली फर्स्ट बैच, इसके बाद के बैच में कोई डिस्काउंट नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो आपको भी अगर पढ़ना है, एक्सपर्ट बनना है, हमारा पहला बैच जो स्टार्ट हो रहा है आने वाली 1 तारीख से, मतलब 1 अगस्त से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, तो अगर और हमारे पास सिर्फ 5 सीट है क्योंकि मैं बहुत कम स्टूडेंट लेकर चलता हूँ ताकि अच्छी ट्रेनिंग हो सके, तो आपको भी अगर सीट बुक करना है तो फटाफट सीट बुक कर सकते हैं, एक अच्छी नॉलेज अच्छे ट्रेनिंग के साथ हम आपको जो है ट्रेन करेंगे, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं मजेदार वीडियो में, और जितनी भी वीडियो आएगी सब मजेदार आने वाली, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि आपको जो है अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहे, ठीक है।